ये मैंने आपको याद होगा कि मैंने कहा था पहले मुंबई में फिर एक बार गैंग वॉर अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ सकती है जब से सरकार आई है, क्योंकि सरकार के पीछे भी अंडरवर्ल्ड की ताकत है और अंडरवर्ल्ड गुजरात से चल रहा है। आज आपने देखा होगा 5,000 करोड़ का ड्रग्स गुजरात में जब्त हुआ है, 5,000 करोड़ का ड्रग्स आज गुजरात में जब्त हुआ है। कौन से पोर्ट पर चेक कर लीजिए, 5,000 करोड़ का ड्रग्स अगर जब्त करने का नाटक हुआ है तो उसका मतलब 50,000 करोड़ का ड्रग्स जो है वो पहले से छूटकर पूरे देश में उसका फैलाव हो गया है। अब ये पैसा किसके पास जाता है, कौन से पार्टी के पास जाता है और उस पैसे से कौन चुनाव लड़ रहा है, ये जनता को बताने की जरूरत नहीं, थोड़ी भी जरूरत नहीं है। एक गैंगस्टर गुजरात के साबरमती जेल में है, गुजरात एटीएस के कब्जे में है, और वो व्यक्ति मुंबई में जो हत्या हो गई एक महत्वपूर्ण नेता की, बाबा सिद्दीकी जी की, उसकी हत्या की जिम्मेदारी लेता है बार बार। बाबा सिद्दीकी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जनता के नेता थे, उनके जो अंत संस्कार, उनकी अंत्येष्टि हो गई वो पूरी शासकीय इतमाम से हो गई। हाँ, उसके शरीर पर तिरंगा लपेटा गया, उसका मतलब सरकार के लिए ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। ऐसे व्यक्ति का हत्या हो गई पुलिस सुरक्षा में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी कौन लेता है? तो गुजरात के एटीएस के कब्जे में जो एक गुनेगार है वो लेता है। ये तो इतनी गंभीर बात है कि राज्य के गृहमंत्री नहीं तो देश के गृहमंत्री जो गुजरात से है उनके लिए भी चैलेंज है। अजीत पवार ने अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए, इसलिए कि ये जो बाबा सिद्दीकी है उनके पार्टी के नेता थे। हिम्मत है अजीत पवार जी में? देवेंद्र फडणवीस को तो छोड़ दीजिए, वो कुछ काम के नहीं रहे अभी, लेकिन गुजरात के जेल में बैठे एक व्यक्ति जो एटीएस के कब्जे में है वो हमारे महाराष्ट्र के एक नेता की हत्या करवाता है, जिम्मेदारी लेता है और हमारी सरकार यहाँ भजन कर करके बैठी है। हाँ, वोट मांगती है, पैसा खाती है। मुख्यमंत्री ने कहा था ना, ये तुम्हारे जो मुख्यमंत्री है भी लगे थे अक्षय शिंदे के बाद, ये तो सिंघम है ना, ये डुप्लीकेट सिंघम लोग। अक्षय शिंदे को गोली मारने के बाद अपने आप को सिंघम घोषित कर दिया, अब सिंघम गिरी अभी दिखाइए ना, वो लड़के को गोली मारा ना, उसके हाथ में हथकड़ी थी, चेहरे पे बुरखा था और गोली मार दी। ये उनकी मर्दानगी है। अगर मर्दानगी दिखानी है तो आप बाबा सिद्दीकी के ऊपर जिसने गोली चलाई, उनके जो सूत्रधार है उनके ऊपर इनकाउंटर कर दीजिए, अगर आपकी हिम्मत है।